हेलो गुड आफ्टरनून केशव सर। बंसल। हेलो सो सर। वी हैव विद अस केशव बंसल हु हैज स्कोर्ड 93 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू केशव। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? थैंक्स अ लॉट सर। सर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। मेरे को ऑल ना राइट आपकी गाइडेंस के बिना ये सर आई डोंट थिंक सो। ऑल राइट ऑल राइट तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि वे फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, आप कहां से बिलोंग करते हैं? सर आई एम फ्रॉम पानीपत। माई ऑल होम राइट टाउन इज पानीपत एंड ऑल आई राइट लिव हियर। सो हैव यू टेकन अवर लाइव क्लास और पेन ड्राइव क्लास और जीडी क्लासेस? इन विच बैच लाइव यू? क्लासेस है। ओके, यू हैव टेकन अवर लाइव लाइव क्लासेस क्लासेस, सो वंडरफुल। यस सर। तो आप सब लोग, आपको और आपकी फैमिली को आपकी इस बहुत बड़ी सक्सेस की बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। एंड हाउ थैंक्स मच लॉट वाज सर। योर थैंक्स टोटल लॉट स्कोर? सर। टोटल स्कोर वो 308। 308। यस सर। ऑल राइट, तो 308 मींस अगर 300 से प्लस किसी भी स्टूडेंट का आता है तो वी कैन कंसीडर कि ऑल दो सीए फाउंडेशन में अब रैंक का सिस्टम नहीं है, बट यू आर अ रैंक मटेरियल यस नाउ। सर। ऑल राइट, तो अब कुछ थैंक कुछ छोटे मोटे थैंक क्वेश्चन यू हम अपने अगले नेक्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को भी आप लोग गाइड कर सकते हैं, वो मैं आपसे पूछूंगा। आई होप यू विल टेल ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सबसे पहला, आप लोगों का श्योर सर। शेड्यूल जो था बहुत मैटर करता है यस सीए एग्जाम्स में, तो आपने लास्ट के 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में क्या अपनी स्टडी की शेड्यूलिंग की थी? किस हिसाब से? मेरे पास बच्चों के बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आई वॉन्ट दैट यस सर। क्वेश्चन टू बी आंसर्ड बाई यू। सर मुझे लगता है ये ना बहुत एक इम्पोर्टेंट थिंग है, क्योंकि ना यस बहुत यस बहुत से बच्चे इस चीज को मिस कर देते हैं कि शेड्यूल को ना हमको थोड़ा सिंपल रखना चाहिए, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के साथ चलना चाहिए। ओके हम हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। एक सब्जेक्ट को हम कैसे ले रहे हैं, उसको हम कितने टाइम में कवर करना चाहते हैं, तो हमको ना शुरू में उठने के बाद एक शेड्यूल होना चाहिए कि एक चीज को हम रैंडम तरीके से नहीं करें कि हाँ यस मेरे यस मन में ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद एब्सोल्युटली। चलो कोई नहीं ये नहीं हो रहा, वो ओके करना चाहिए। ओके, गोल होना चाहिए सर मतलब आपका अप्रोच के फ्रेम लिए ऑफ हमारे। माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमको आज का डे बिल्कुल सर स्पेंड कैसे बिल्कुल। करना एक मेरी एक अप्रोच है, हर चीज को स्ट्रेटेजी के साथ करना चाहिए, एक है। ऑल स्ट्रेटेजी राइट होनी चाहिए। ऑल राइट, तो वो स्ट्रेटेजी आप सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ आवर्स पे डिवोट करते थे या आपका क्वालिटी कंटेंट वाइज आप उसको डिवाइड करते थे? मींस क्वालिटी कंटेंट सर, क्योंकि ऑल राइट मैंने अपने डे को ना सर डिवाइड कर रखा था कि इस टाइम मेरा जो क्वालिटी टाइम है, मतलब जैसे इस टाइम मेरी जो फोकस है वो सबसे अच्छा रहेगा, तो ऑल इस टाइम राइट पे थोड़ा कम रहते, तो उस हिसाब से जो टॉपिक होते हैं ना मैं उस हिसाब से उसको अलॉट करता था उस टाइम पे। ओके ओके, मतलब हम अपने बिहेवियर के हिसाब से भी, कुछ स्टूडेंट्स नाइट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ मॉर्निंग होते हैं, तो जब हमारा हाँ कंसंट्रेशन मैं होता है हाँ हमको सर। उस हिसाब से वो सब्जेक्ट लेना है। बहुत से बच्चों को आदत होती है, जैसे वो नाइट में पढ़े उनको उस टाइम फोकस होता है, पर मेरे साथ नहीं। मेरे को डे में जो फोकस होता है ना मैं कभी नाइट में नहीं पढ़ सकता, मेरे साथ ये ऑल दिक्कत राइट, है मतलब उस मोरल हिसाब ऑफ द से स्टोरी करना। ये है, आपका जो बिहेवियर है जिसमें आप कंफर्टेबल है, जब आपका जब फोकस है यस आप सर उसी के हिसाब से करें, बजाय कि किसी और को जबरदस्ती कॉपी करने के लिए अपना शेड्यूल चेंज कर लें, वो बिल्कुल आपको नहीं बिल्कुल करना। बिल्कुल सर बिल्कुल ऑल बिल्कुल राइट सर। ऑल राइट, सो आपने अकाउंट्स में क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन करे हैं, 93 इज अ वेरी गुड फिगर, सो आपने मेरी यस बुक तो सर फॉलो करी होगी, नो डाउट अबाउट दैट एज बिल्कुल यू आर बिल्कुल माई बिल्कुल स्टूडेंट। सर तो आप बाकी बिल्कुल बच्चों को सर। क्या कहना चाहेंगे, वाज दैट बुक इनफ या आपको और भी बहुत कुछ इधर उधर से ढूंढना पड़ा या करना पड़ा? सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इट वाज मोर देन इनफ। मैं बिल्कुल एक बात बताऊं सर, जब मैंने आपकी फर्स्ट टाइम पर मतलब सर बिल्कुल वो दूंगा सच्चा, हाँ मतलब कि बिल्कुल जब मैंने बिल्कुल आपकी बुक देखी, बिल्कुल आपकी यस बुक देखी, मेरे को क्वेश्चन उसमें कम लगे। ओके मैं भी ओके थोड़ा सा मैं सोच में पड़ गया कि ये बहुत रहेगी बुक या कम रहेगी। आपने भी हमको बहुत ज्यादा एश्योरेंस दी कि मैंने क्वेश्चन थोड़े डाले लेकिन इंपॉर्टेंट है और यस यस बेस्ट है, या ये बिल्कुल आपने बात ठीक करी। मैं जितने एमटीपी मैंने ट्राई करे ना, मेरे को जब जब एमटीपी ट्राई करे एक एक करके मेरे को बात समझ में आई। आप जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, ये चीज मेरे मन में थी और ये बाद में मिट गई सर। तो यही बिल्कुल बात ठीक कही थी आपने। अगर हम किसी स्टूडेंट को खुद से बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हाँ स्टूडेंट के हाँ माइंड में बिल्कुल वो स्केप्टिसिज्म जरूर बिल्कुल रहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ बिल्कुल कि मेरे मेरे जो माइंड में पास भी था स्टूडेंट है सर, वही मेरे बच्चों माइंड को में था। आगे एश्योरेंस दें कि भाई हाँ इनका इतना अच्छा हाँ स्कोर आया, वो भी उस चीज पे रिलाय करते हैं कि दैट बुक वाज इनफ। यस सर दैट वाज इनफ। ऑल राइट, तो आपने जो हमारे यहाँ पर मॉक टेस्ट सीरीज और बाकी टेस्ट पेपर्स वगैरह चलते हैं वो सब आपने अटेम्प्ट किए थे? बिल्कुल सर। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सही में सर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट, क्यों हमको पेपर प्लान आउट करने में बहुत हेल्प करती है मॉक टेस्ट। ओके 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 यस सर हाँ इसको जी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऑल राइट। और मेरे पास एक बच्चों की क्वेरी आ रही थी, मैंने लिखी हुई अपने नोट पैड पे, बच्चे कहते हैं सर अकाउंट्स का एग्जाम तो कंप्लीट ही नहीं होता, तो आप कह रहे हैं आपके स्टूडेंट्स के 93 मार्क्स है, 94 मार्क्स है, देन हाउ इज इट सर पॉसिबल? ये तो कॉमन सी बात है, अगर आपके मेरे 93 आए तो यू मस्ट हैव अटेम्प्टेड फुल 100 मार्क्स पेपर। सर मेरे हिसाब से ना ये एक मिथ है,
अकाउंट्स का एग्जाम अटेम्प्ट में थे, मिथ है सर। ओके तो सुन लो भाई, बाकी सब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो स्कोरर है वो ही कह रहे हैं कि अकाउंट्स में आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होता, इट्स ओनली अ मिथ। अगर आप प्रॉपरली सारे कांसेप्ट क्लियर होते हैं तो आप आराम से एग्जाम को कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे पास आराम से 30-45 मिनट्स लेफ्ट थे जब मैंने एग्जाम कंप्लीट कर लिया था, और मैंने उसको क्वेश्चन को दो दो बार रिवाइज कर लिया था। एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन था, आई रिमेम्बर, मैंने उसको क्वेश्चन को 15 मिनट में कर लिया था। मैंने उस पर 20 मिनट रिवाइज करने में लगाई कि हाँ क्वेश्चन का एक एक चीज ठीक करी है मैंने। मीन्स हम लोग अगर हमारा माइंड बिल्कुल क्लियर हो, हमको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो, तो हम आराम से 3 आवर्स आर इनफ फॉर डूइंग दैट अकाउंटेंसी एग्जाम। और ये एक पेपर को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन एमटीपीस का होता है सर। यस 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 एब्सोल्युटली, बिकॉज इट हेल्प यू इन गेन कॉन्फिडेंस। और सेम पैटर्न के अगर आप पूरा एग्जाम 3 आवर्स का पहले ही देके आए होगे तो वो अपने आप आपकी स्पीड भी बढ़ाएगा एंड इट विल मेक यू एक्यूरेट एज वेल। वन मोर थिंग, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, कई बार बच्चे बड़े परेशान होते हैं, सर हमारे अकाउंट्स के एग्जाम में थ्योरी भी आएगी, तो डू यू थिंक जो हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही थ्योरी लिखवाते हैं दैट थ्योरी इज इनफ? और हर चैप्टर की जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं वहीं से लाया करते हैं, चाहे वो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हो या कोई और कोई क्वेश्चन हो। सर वैसे तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जो आपने थ्योरी दिखवाई है मैंने वही पढ़ी थी और वो इनफ रही। बल्कि अगर किसी को एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं वो बेशक ICAI की बुक देख सकते, लेकिन पेपर के हिसाब से आपने जो लिखवाए थे नोट्स वो इनफ थे। ऑलराइट ऑलराइट, सो नाउ आपकी लास्ट एडवाइस, लास्ट कमेंट क्या रहेंगे फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट जिनके पास अभी एग्जाम अप्रोच कर ही रहे हैं, अराउंड 3 मंथ्स के आसपास उनके पास है, मई में उनके भी एग्जाम्स हैं, तो आप उनके लिए क्या कुछ फाइनल स्टेटमेंट देना चाहेंगे जिसको वो ध्यान में रख के अभी लास्ट के 3 मंथ्स में प्रिपरेशन करें तो वो भी आपके वाले लेवल को अचीव जरूर कर सकते हैं? सर फाइनल स्टेटमेंट यही रहेगी कि हमको पैनिक नहीं करना चाहिए। बच्चे पहले से एग्जाम को सोच सोच के पैनिक हो जाते हैं, फिर वो अपना जो आउटपुट होते हैं ना उस लेवल तक नहीं दे पाते। वी शुड कीप थिंग्स सिंपल एंड अप्रोच देम स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऑलराइट ऑलराइट, सो वेलकम टू CA इंटरमीडिएट, होप टू सी यू इन CA इंटरमीडिएट एज वेल, सो कांग्रेचुलेट वंस अगेन एंड एंजॉय दिस मोमेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। गॉड ब्लेस यू केशव, इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विद यू, गुड बाय।